हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के स्टूडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 6 दिसंबर का करंट अफेयर। देखें क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर कल के करंट अफेयर का क्विक रिविजन कर लेते हैं। कल के करंट अफेयर का दोस्तों पहला प्रश्न था कि किस कंपनी ने 2020 में भारतीय कंपनियों के फॉर्च्यून 500 सूची में शीर्ष स्थान जो है प्राप्त किया है। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शीर्ष स्थान जो है प्राप्त किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि भारतीय में नौसेना दिवस यानी कि इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है। दोस्तों ये जो दिवस मनाया जाता है, यहाँ पे माफ करना गलत ऑप्शन लिखा हुआ है, ये जो तो दिवस मनाया जाता है दोस्तों ये हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने सबसे अधिक रेटिंग अंक प्राप्त करने के बाद बल्लेबाजों की न्यूनतम आईसीसी मैन T20I प्लेयर रैंकिंग में शीर्ष स्थान जो है प्राप्त किया है। तो दोस्तों ये जो स्थान प्राप्त हुआ है ये डेविड मलान को हुआ है जो कि इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि उस भारतीय महिला उद्यमी का नाम बताइए जिसने कोटक वेल्थ ह्यूरेन लीडिंग वेल्थ वुमेन रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान जो है हासिल किया है। तो ये जो शीर्ष स्थान हासिल किया है ये रोशनी नडार मल्होत्रा है, और इस रैंकिंग के अनुसार जो है रोशनी नडर मल्होत्रा जो है वो भारत की सबसे ज्यादा कह सकते हैं सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन वुमेन है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की गृह मंत्रालय द्वारा नोंगपो सेकाई 2020 के लिए भारत के शीर्ष पुलिस स्टेशन के रूप में जो है चुना गया है। ये जो पुलिस स्टेशन है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये जो मणिपुर राज्य में स्थित है ये स्टेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों की वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल भारत के किस राज्य में आयोजित जो है किया जाता है? तो दोस्तों ये हर साल उड़ीसा राज्य में आयोजित किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि वॉल्ड्रो गिस्कार्ड डी स्टिंग किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वो दोस्तों फ्रांस देश के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों किसे फिट इंडिया आंदोलन के राजदूत के रूप में जो नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्ति की गई है कुलदीप हांडू जी की, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों कि पाकिस्तान के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो जो 15वें प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान का उनका नाम था जफरुल्ला जमाली जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। जफरुल्ला जमाली जो थे वो बलूचिस्तान से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले इंसान भी थे। बात करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर के पहले प्रश्न की विश्व भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। डिटेल इसके देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिक प्रणालियों के लिए मिट्टी की गुणवत्ता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 दिसंबर को विश्व भूमि दिवस जो है मनाया जाता है, ठीक है। खाद्य और कृषि संगठन अभियान मिट्टी की जीवित रखने, मिट्टी की जैव विविधता की रक्षा करने का उद्देश्य स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र और मानव कल्याण को बनाए रखने के लिए महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है। तो बेसिकली वर्ल्ड सोयल डे इसलिए मनाया जाता है ताकि जो भूमि से जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण चीजों को लोगों में जागरूकता फैलाया जा सके। बात करते हैं दोस्तों कुछ उपयोगी नोट्स की। तो खाद्य और कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वो रोम इटली में है, ठीक है। और विश्व खाद्य और कृषि संगठन का जो प्रमुख उनका नाम है क्यू डोंगयू। विश्व खाद्य और कृषि संगठन की जो स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। बात करते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट नोट्स की। भूमि विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष जो है उनका नाम है तकाशी कोसाकी जो कि जापान में के हैं, ठीक है। भूमि विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी 1924 को, और इसके जो अंतर्राष्ट्रीय संघ जो है ये मुख्यालय जो है इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में नवनिर्मित मजराहट पुल का नाम जो है बदलकर क्या रख दिया? वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी नेम द न्यूली बिल्ड मजरा ब्रिज इन कोलकाता एज। तो दोस्तों इस ब्रिज का जो नाम बदल के जय हिंद ब्रिज जो है रख दिया गया है। डिटेल इसकी देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में जय हिंद पुल के रूप में कोलकाता के नवनिर्मित मेजरहाट पुल का नाम जो है रखा है। तस्वीरों जिसे आप देख पा रहे हैं यही कोलकाता में नवनिर्मित ब्रिज है जिसका नाम जो पहले था वो था मेजरहाट ब्रिज, ठीक है। नया पुल का एक पुराना की स्थापना बनाया गया है जो सितंबर 2018 में जो है ढह गया था, ठीक है। यह जो है 650 मीटर लंबा है और कोलकाता के मध्य भाग को बिहार और अन्य के दक्षिण पश्चिम उपनगरों से जोड़ता है,
ठीक है, तो ये जो पुल था दोस्तों ये 2018 में जो है ढह गया था और उसके बाद इसे दोबारा से बनाया गया है, और अब बनाने के बाद इसका जो नाम रखा गया है वो है जय हिंद पुल। ठीक, बात हुई है दोस्तों कोलकाता की, तो इसकी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की जो गठन हुई थी वो हुई थी 26 जनवरी 1950 को। इसकी जो राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री यहाँ के ममता बनर्जी, ठीक है, राज्यपाल है यहाँ के जगदीप धनखड़, लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पे 42, राज्यसभा की सीटें हैं 16 और विधानसभा की सीटें हैं 295। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें दोस्तों तो ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि कोलकाता राज्य में स्थित हैं। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि भारतीय नौसेना, ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन से देश की नौसेना के बीच हिंद महासागर क्षेत्र में पैसेज एक्सरसाइज जो है कर रहे हैं। ठीक है, इंडियन नेवी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नेवी आर अंडरटेकिंग पैसेज एक्सरसाइज इन द ईस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन। ठीक है, तो दोस्तों पैसेज जो एक्सरसाइज है ये जरूरी नहीं है कि किसी दो देश यानी कि भारतीय नौसेना और किसी एक स्पेसिफिक देश के साथ बीच ही हो, ये रशिया के साथ भी होता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होता है। तो फिलहाल जो है ये पैसेज एक्सरसाइज जो है रशिया देश के साथ किया जा रहा है। ठीक है, तो भारतीय नौसेना और रूसी संघ नौसेना पूर्व हिंद महासागर में मार्क अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, अभ्यास दोनों अनुकूलन नौसेनाओं के बीच जो है अंतर को बढ़ाने, समझ में सुधार करने और सर्वोत्तम प्रथाओं की आत्मसात करने में मदद करेगा। ठीक है, इसमें उन्नत सतह और पनडुब्बी विरोधी युद्ध अभ्यास, हथियारी फायरिंग, ठीक है, सीमांत से अभ्यास और हेलीकॉप्टर संचलन भी शामिल है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन 2020 ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाला पहला भारतीय जो है बन गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन द 2020 ग्लोबल टीचर प्राइज। ठीक है, तो 2020 का ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति का नाम है रंजीत सिंह दिसले। ठीक है दोस्तों, डिटेल इसके देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के प्रतिवाड़ी गांव में जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय के एक सरकारी शिक्षक जिसका नाम जो है रंजीत सिंह टिसाले ने 2020 का वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जो है वो जीता है। ठीक है, यह पुरस्कार जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं जिन्हें जीत के उपलक्ष्य पे $1 मिलियन यानी कि 7.5 करोड़ रुपए का उपहार जो है यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, 35 वर्षीय रंजीत सिंह ने अपने गांव में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और भारत के त्वरित प्रतिक्रिया QR कोडित पाठ्य पुस्तक क्रांति को गति देने के लिए अपने प्रयासों के लिए वैश्विक पुरस्कार जो है वो जीता है। ठीक है, ग्लोबल टीचर प्राइज बेसिकली है क्या, इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो ग्लोबल टीचर प्राइज जो है वर्क फाउंडेशन द्वारा 2014 में स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है जो एक असाधारण शिक्षक को पहचानने के लिए जिसने इस पेशे में उत्कृष्ट योगदान दिया हो उसे दिया जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार जो है वो UNESCO की साझेदारी में दिया जाता है। ठीक है, तो बात हुई दोस्तों UNESCO, तो इसकी डिटेल हम देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो UNESCO का जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में है और इसके जो प्रमुख है उनका नाम है आंड्रे अजूला। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका द्वारा पहली बार किड ऑफ द ईयर के रूप से नामित जो है किया गया है। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज द फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर बाय द आइकॉनिक टाइम मैगजीन। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पहली बार जो है टाइम पत्रिका द्वारा किसे किड ऑफ द ईयर के नाम से नामित जो है किया गया है। ठीक है, तो ये जो दोस्तों नामित किया गया है ये किया गया है गीतांजलि राव को। डिटेल इसके देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो भारतीय अमेरिकी युवा वैज्ञानिक और आविष्कारक गीतांजलि राव को प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका द्वारा पहली बार किड ऑफ द ईयर के रूप से जो है वो नामित किया गया है। यह पहली बार है कि टाइम पत्रिका ने किड ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है लॉन्च किया है। ठीक है, 15 साल की गीतांजलि राव को 5,000 से अधिक प्रत्याशियों से चुना गया था जिन्होंने अपने आश्चर्यजनक काम के लिए तकनीकी का उपयोग कर दूषित पेयजल से लेकर के ओपियोडियो का लाद और साइबर बुलिंग तक की मुद्दे को जो है सम्मान किया था। बात करते हैं नोट्स की, तो टाइम पत्रिका का जो मुख्यालय है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। टाइम पत्रिका के जो संस्थापक हैं वो है एडवर्ड फेलेस्टल। ठीक है, और इसका जो पहला जो मतलब इसकी स्थापना हुई थी वो 3 मार्च 1923 को हुआ था। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि लक्षद्वीप के प्रशासक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, हु वाज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लक्षद्वीप हु रिसेंटली पास्ड अवे। ठीक है, तो लक्षद्वीप के प्रशासक का नाम था दोस्तों कि दिनेश्वर शर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया है। डिटेल इसकी देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो लक्षद्वीप के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा का निधन जो है हो गया है, वो पहले
इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख थे और जम्मू कश्मीर के इंटेलेक्टर भी थे। ठीक है, केरल कैडर के 66 वर्षीय सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी को अक्टूबर 2019 में लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक जो है वो नियुक्त किया गया था। वो 1994 से 1996 के बीच कश्मीर और आईबी के सहायक निदेशक थे और फिर राष्ट्रीय राजधानी में ब्यूरो के कश्मीर डेस्क पर सेवा करने के लिए चले गए थे। ठीक है, तस्वीर में जिन्हें आप देख पा रहे हैं इनका नाम जो है दिनेश्वर शर्मा है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करेगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों अपने ग्रुप में, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके। मिलते हैं दोस्तों आपसे कल के वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।